Hey guys, good morning. First of all, happy Lohri to all of you and welcome to my channel. Friends, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मौसम. ये देखिए मौसम ना बहुत ज़्यादा बेईमान हुआ पड़ा है. देखिए पार उधर बर्फ ही हुई है, इस साइड भी उधर बर्फ हुआ है. आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट मैं अभी अपनी दादी के घर में गई थी, वहाँ से वापस आ रही हूँ और सोचा कि साथ में वीडियो बना दूँ. तो गाइस ठंडा बहुत ज़्यादा है और अभी 8 बज रहे हैं, मैं अभी सो के उठ रही हूँ और ठंड इतनी ज़्यादा है कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है. बट बर्फ़ इस बार साल की पहली बर्फ़बारी भी नहीं हुई है हमारे यहाँ पे. ऊपर ऊपर तो हो रही है बट यहाँ पे नहीं हो रही है बिल्कुल भी. तो ठंड बहुत ज़्यादा है. तो आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी है हमारे हिमाचल में, ख़ासतौर पर हमारे मंडी में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. तो गाइस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ सबसे पहले. तो गाइस शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को और चलते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हम अपने किचन अपने मतलब कुछ भी नहीं देखा है. हमारे पुरोहित जी भी आए थे शाम को और वही करेंगे सब कुछ. सबके घरों में हवन होता है और सबके घरों में अच्छा अच्छा पकवान बनता है. बुआ जी वगैरह शायद आ जाएंगे क्योंकि हमारे घर पर आज छोटी सी एक पूजा रखी गई है, तो उसके लिए बुआ जी वगैरह शायद आएंगे. अभी तो नहीं आए हैं कोई भी, बट आज के दिन ऐसा होता है ना, जितनी जल्दी सुबह सो के उठेंगे ना उतनी जल्दी सुबह नहा धोके अच्छा माना जाता है. बट मैं तो 8 बजे उठ रही हूँ आराम से, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है. तो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे. Wow, it's very awesome. So अभी ना धूप लग गई है गाइस, तो देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है अभी यहाँ से. थोड़ा थोड़ा मौसम खराब भी है, थोड़ा बीच में साफ भी हो गया है. और देखिए मैं नहा भी गई हूँ और देखिए हवन भी स्टार्ट हो गया है. ओम सरस्वती मात्रे ते स्वाहा, ओम तासु योनि ते स्वाहा, ओम तपि पड़े की दूर तो सो ये पड़े कम है ना दियो गाओ कित पड़े तो पड़े मैं तिलो बना दूं की दूर से बना दे ले सीध ला दे ना चिलड़े ऐसे कर वे ए वो सीध ला ला के आ दूं फुटन गाल ले हां फुटो दो बढ़िया बढ़िया. और ये हलवा बन रहा है गाइस, आटे का बनाया जाता है गुड़ के साथ में. जहाँ पूजा होनी है वहाँ के लिए बनाया जा रहा है ये. वो देखिए इसमें गुड़ डाली जा रही है. अब जाना नीचे. एक रुपया गिर गया या किसी की जेब से? और ये मेरे पापा है गाइस जो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं यहाँ पे. और गाइस पूजा ना, ये पूजा का सामान है, पूजा यहाँ पे होनी है एक्चुअल में. घर से थोड़ा सा नीचे को आए हैं हम. यहाँ पे जो है ये मतलब काफ़ी पहले का ये स्थान है. यहाँ पे कुछ देवते पूजे जाते हैं. यहाँ पे पानी हुआ करता था पहले, अब ये खाली है. तो थोड़ा सा शुद्धिकरण और थोड़ा हवन किया जा रहा है आज यहाँ पर, जिसके लिए कि दीदी वगैरह और बुआ जी वगैरह को भी बुलाया गया है. नमस्ते, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? हो नहीं आई बेबी जानवी, ठीक बता रहे हैं.
और हवन भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, जो कि और यहाँ पे हो रहा है कन्या पूजन। लगानी तुमने घर जाके, ठीक है जाके खेलो, अभी नहीं अभी भागना तुमने। ओ ले सुपर सुपर जिंदा रहा। चलो तुम भागना नहीं भी हो, धक धक देना खाना, धक धक तो ते खा थकी है तू। आता था जिंदा इधर कर दो पीस दे दे, आप वो खाए ना प्रोटीन में। हो रहे हैं यार चीजें ना, उल्लेख है यो उन्हें तो नहीं खाया, मैं मौत नहीं खाया और निकाल दो। ये खीर बनाई गई है गाइस, मन दे ऐसे ऐसा पर घर को ते कहीं दल को शादी ने। अरे घर ने नहीं दी बता, घर ने खीर तो नहीं हो जाए तो कोबो खीर बक नहीं हो जाए। नहीं नहीं कर, अच्छा खीर भी नहीं बचनी चाहिए घर को, ठीक है मीठा बैठा आपको पानी तो यार कोई का पानी साढ़े 300 जोड़ा नहीं काम करना। और फाइनली हम घर आ गए हैं और यहाँ पे अभी मम्मी सभी को खाना दे रहे हैं। सो हे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड कल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई क्योंकि कल लिटरली गाइज बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमने बहुत ज़्यादा फन किया कल। और बुआ जी और दीदी वगैरह जो कल शाम को ही अपने घर चले गए थे क्योंकि कल का दिन सबके लिए बहुत स्पेशल होता है यहाँ पे। तो गाइज आप मौसम देख सकते हैं, आज बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी धूप खिली है आज। तो देखिए अभी मैं घर के पास ही हूँ, ये आप हमारे जो है आंगन के हालात देख सकते हैं किस तरह के हुए हैं। अभी 5-7 दिनों से इस तरह के हालात है क्योंकि पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे किस तरह का हुआ करता था पहले, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमने अभी 5-7 दिन पहले ही साफ़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा बनने वाला है आलीशान महल, सॉरी मजाक कर रही हूँ, एक छोटा सा घर बनाने वाले हैं जिसकी की वीडियोज़ मैं आपको मतलब डालती रहूँगी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, अपने सजेशन देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कर देना यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा आप।